आज जो वाक्य हुआ है ना, उसमें मैं कुछ बात करना चाहूँ कि ये देखिए सामने 330 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये बिन दाऊद जो मार्केट है, यहाँ से शहबाज शरीफ साहब को जो है ना वो लेके आया गया, और जैसे ही उनको यहाँ पे गाड़ी पे बिठाया गया इस साइड पे, तो उस पे जो ना वो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे अफतारी कर रहे थे ना, तो जैसे यहाँ से गुजरे हैं तो लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। ये जो इकदाम हुआ अच्छा नहीं हुआ, इसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको ना ये मस्जिद नबवी के अंदर हुआ है, मस्जिद के अंदर हुआ है, रोज़ा रसूल के पास हुआ है, रोज़ा रसूल के पास जाके इन्होंने नारेबाजी की, हुल्लड़बाजी की, ऐसा किया वैसा किया। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मार्केट अब है, ये सारे होटल्स हैं, ठीक है, और ये सात वाशरूम है, 222 नंबर 223 नंबर वो सामने लिखा हुआ है, तो ये जो है ना वो राहदारी है, यहाँ से लोग गुजरते हैं, और ये सामने जो है ना गेट है इनके अंदर आने के, इसके बाद एक वाइट पत्थर शुरू होता है, वो वाइट पत्थर के आगे वो 18 नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना 18, उसके आगे जाके मस्जिद शुरू होती है। तो यहाँ पे देखे ना ये व्हील चेयर भी लोग लेके आए हुए हैं, सबने जूते भी पहने हुए हैं, मैंने भी शूज पहने हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे शटल्स भी गुजरती हैं, गाड़ियां भी गुजरती हैं, हर चीज गुजरती है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है। तो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर जाके ये किया है और रोज़ा रसूल के पास ये किया है, तो उनको मैं बताना ये चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था ना। तो ये वो जगह थी यहाँ से वो गुजरे हैं, और शाहजहान बुगटी जो यहाँ से गुजर रहा था, अब देखें यहाँ पे शटल्स जा रही हैं, एम्बुलेंस जा रही हैं, तो यहाँ पे ये सब जो है ना वो जाता है। बाकी जो लोग वो तनकीद करते हैं, उनको मैं ये कहता हूँ कि तनकीद से पहले तहकीक कर लिया करें, बस ऐसे प्रोपेगेंडा हिस्सा ना बना करें। कुछ लोग हमारे ऐसे दोस्त हैं बस जो कॉपी पेस्ट पे ही है, उनकी सारी वो सियासत चलती है, वहां से आई बस कॉपी पेस्ट किया, ना देखा ना समझा कि लिखा क्या हुआ है, हो क्या रहा है, उसको ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया। तो उसको जरा तहकीक कर लिया करें, बेहतर होता है वो। तो अभी ये देख लें यहाँ पे ये सारे मनाजिर हैं, असल लोगों के अंदर ना वो गम गुस्सा भरा हुआ था, लोग जो है वो जैसे वो गुजरे हैं तो वो लोग शुरू हो गए, पाकिस्तान के अंदर जो भी रिजीम चेंज हुआ है यहाँ पे, हालांकि अरबी भी जो हमें मिलते हैं वो भी ये कहते हैं कि ये नाइंसाफी हुई है, अमेरिका ने ये किया है, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी भी थे, इसमें यूके वाले भी थे, सारे थे, सिर्फ हमारे पाकिस्तान के नहीं थे, और ये कोई पीडीएस प्रोग्राम नहीं थे, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे, और इमरान खान ने ना किसी को उकसाया कि तुम ये करो ऐसे करो वैसे करो, सब लोगों ने जाना अपनी मर्जी से वो किया है। अब देखे ना शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जाके अंदर मस्जिद नबी में बैठे होंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको मस्जिद नबी के अंदर ही कोई वीडियो मिली हो, कोई नहीं मिलेगी आपको, सारी वीडियो बाहर की मिलेंगी छतरियों के पास की, तो ये सब कुछ जो है ना वो बाहर हुआ था। तो बस यही था जो मैंने कहा मैं अगर अपडेट कर दूँ, कुछ लोग जो ना बड़े वो कर रहे थे कि ये हो गया ऐसे हो गया ऐसे है, तो उनको मैंने कहा बता दूँ कि ये कौन सी जगह है। ये देखें ये 226 नंबर वाशरूम है ये मर्दों का, इसके सामने लोग बैठे खाना भी खा रहे हैं, यहाँ पे लोग सोए भी हुए हैं बैठे भी हुए हैं, मस्जिद में जाके तो परमिशन नहीं है ना सोने की, लेकिन यहाँ हम शूज़ भी पहन के फिर रहे हैं, सब ने शूज़ पहने हुए हैं यहाँ पे।